अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है मिर्ज़ा फैसल और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर मेडिसन्स देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद नई वीडियोस बआसानी मिल सके। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, वक्त ज़ाया करते हुए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैल्पोल टैबलेट्स। कैल्पोल टैबलेट्स GS की कंपनी जो कि ग्लैक्सो स्मिथ के लाइन के नाम से जानी जाती है, इसको मैन्युफैक्चर्ड कर रही है। अगर हम इसके साल्ट की बात करें तो इसका साल्ट पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल आपको मार्केट में बहुत सारी टैबलेट्स के अंदर बआसानी मिल जाता है। कैल्पोल टैबलेट्स सर दर्द, दांत के दर्द, जोड़ों के दर्द, अयाम के दर्द, नज़ला, बुखार और फ्लू की कैफियत में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्पोल टैबलेट्स की जो एक टैबलेट है ये 500 mg की एक टैबलेट होती है। हम इसकी एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर और एक शाम को ले सकते हैं। अगर सर में शदीद दर्द है, दांतों में शदीद दर्द है, जोड़ों में शदीद दर्द है, बुखार की कैफियत ज़्यादा है या नज़ला लगा हुआ है या गला ख़राब है, उस सूरत में हम इसकी दो टैबलेट सुबह, दो दोपहर, दो शाम को ले सकते हैं। अगर आपको थकावट है या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, जैसा कि कमर में दर्द हो रहा है, तो उस सूरत में भी हम इस टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वो वह टैबलेट्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये टैबलेट्स 12 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए हैं, जबकि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए टैबलेट्स नहीं हैं। उनके लिए मार्केट के अंदर सिरप मौजूद हैं जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट्स सिर्फ 12 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए हैं। अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं और जिसके अंदर पैरासीटामोल मौजूद है, तो आप इन टैबलेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पैरासीटामोल पहले ही 500 mg की है। तो अगर आप किसी और मेडिसिन के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे साइड इफ़ेक्ट होने के खदशात बढ़ जाएंगे। अगर हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में इसमें स्किन के ऊपर आपकी एलर्जी हो सकती है, आपको उल्टियाँ आ सकती हैं, आपका सर चकरा सकता है और आपको थकावट भी हो सकती है। जिगर और गुर्दे के फेल की शदीद ख़राबी की सूरत में आप ये टैबलेट्स एहतियात से इस्तेमाल करें। एक दिन में आप इन टैबलेट्स की डोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 4000 mg तक ले सकते हैं। अगर आप 4000 mg से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे जिगर का मसला पेश आ सकता है। अगर आपने इसकी एक डोज़ सुबह ले ली है तो आप फ़ौरन इसकी दूसरी डोज़ नहीं ले सकते। आपको दूसरी डोज़ लेने के लिए कम से कम 4 घंटे का वक्फ़ा लाजिम है। अगर आपने डोज़ ली है तो आप उसके 4 घंटे बाद ही ज़रूरत पड़ने पर दूसरी डोज़ ले सकते हैं। अगर उससे पहले अगर आप इसकी दूसरी डोज़ लेंगे तो इससे भी साइड इफ़ेक्ट के खदशात बढ़ जाएंगे। आप इन टैबलेट्स को खुद घर में इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इन टैबलेट्स का इस्तेमाल करें। तो कैसी लगी आज की आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोज़ डेली बेस पर बना सकें। शुक्रिया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।